आप लोगों में से कोई 15 अगस्त बनाए ना बनाए, लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखना, 16 अगस्त को कोई भी फ्लैग ज़मीन पे नहीं पड़ा होना चाहिए। ये हमारे देश की इज्जत है, शान है। तो प्लीज़ फ्लैग लाओ तो उसकी इज्जत रखो, ज़मीन पर फेंको। देशभक्ति उन फ्लैगों को लाने से नहीं है, उन फ्लैगों की इज्जत करने से है। तो उन फ्लैगों का प्लीज़ सम्मान करो और कोशिश करो कि आपके सामने कोई भी अगर ये फेंकता हुआ नज़र आता है तो उसको भी रोको, टोको। अभी मेरे एक दोस्त ने पूछा, असली आज़ादी क्या होगी? असली आज़ादी उस दिन होगी जिस दिन एक लड़की रात को अकेली घूम रही होगी और 10 लड़कों को देख के वो डरेगी नहीं, बल्कि सिक्योर महसूस करेगी कि ये लोग हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ लोगों को परेशान करने जगह उनकी हेल्प करना शुरू। असली आज़ादी उस दिन होगी जब हिंदू कावड़ के नाम पे और मुस्लिम ईद के नाम पे लोगों को परेशान करना छोड़ देंगे, सड़कों पे घूम के लोगों की गाड़ियां तोड़ना छोड़ देंगे, उसे असली आज़ादी कहेंगे। असली आज़ादी वो होगी जिस दिन हम लड़कियों के कपड़े छोटे बड़े सोचने की जगह अपने दिमाग को बदलेंगे, क्योंकि दिमाग छोटा और बड़ा होता है, कपड़े छोटे और बड़े नहीं होते। असली आज़ादी वो होगी जिस दिन हम लोग हिंदू मुसलमान को छोड़ के, गीता कुरान को छोड़ के सिर्फ एक चीज़ को याद रखेंगे, वो है हिंदुस्तान, उसको कहेंगे असली आज़ादी। असली आज़ादी उस दिन होगी जिस दिन हर कोई पढ़ने जाएगा, हर कोई पढ़ा लिखा होगा। असली आज़ादी उस दिन होगी जिस दिन हर लड़की पढ़ेगी और हर कोई लड़की के होने पर खुश होगा, उस दिन होगी असली आज़ादी। असली आज़ादी उस दिन होगी जिस दिन कश्मीर में पत्थर की जगह फूल फेंके जाएंगे। असली आज़ादी वो होगी जिस दिन कास्ट को देख के नहीं, आपकी काबिलियत को देख के आपको जॉब मिलेंगी, उसे असली आज़ादी कहेंगे। क्रांतिकारी नहीं है हम लोग, आज़ादी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं, आसपास से जितना कूड़ा है वो हटा सकते हैं, आसपास गरीबों को किताबें बांट सकते हैं, आसपास गरीबों को खाना खिला सकते हैं, एटलीस्ट 15 अगस्त के दिन इतना तो हम लोग सब लोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन इन लोगों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साबित हो सकता है। सब अगर मिलके ये करेंगे तो उन लोगों का कितना फ़ायदा होगा, ये सोचिएगा। तो दोस्तों इस बार सब मिलके इस देश को असली आज़ादी दिखाते हैं और दिलाते हैं, और इस बार हम लोग 15 अगस्त कुछ इस तरीके से मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।